हेलो नमस्कार, क्यूरियस रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो हम सोचते हैं कि मीठे में क्या बनाएं। आज हम बासुंदी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपी है, तो चलिए बासुंदी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को गरम करना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखें। हल्का सा दूध गरम होना शुरू हो गया है, तो आप देख सकते हैं दूध बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। बासुंदी बनाने के लिए दूध को इतना बॉईल करना है कि वो 1 लीटर से आधा लीटर हो जाए। बीच बीच में इसे चलाते रहिए, नहीं तो दूध कढ़ाई को लग जाएगा। तो अब हम इसमें केसर डालेंगे। केसर से स्वाद और कलर दोनों भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और पिस्ता को बारीक कट करके लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए दूध अभी भी पतला है, तो हमें इसे और भी बॉईल करना है। तो आप देख सकते हैं दूध अभी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी हल्का पीला हो गया है। अब हम इसमें जायफल घिस के डालेंगे। अगर आपके पास जायफल का पाउडर है तो वो 1 चुटकी पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी इलायची डालना है, लगभग 1/4 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, ये जो मलाई है इसे आप अच्छे से मिक्स कर ले, और जो साइड में जो मलाई लगी हुई है कढ़ाई को, इसे भी अच्छे से निकाल लेना है और दूध में मिक्स कर देना है। थोड़ा सा मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी से ये गिर जाता है। 2 से 3 मिनट के लिए सिम पे इसे बॉईल करें। तो देखिए सिम पे बॉईल करने के बाद इसमें ऊपर से इस तरह से मलाई बनती है। तो ये मलाई को हमें साइड में करना है और फिर से ये प्रोसेस को 2 या 3 बार करना है। तो ये देखिए, फिर से मैंने इसे सिम पे रख दिया है 2 से 3 मिनट के लिए, और ये फिर से मलाई बन गई है। अब इस मलाई को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। बासुंदी बनाते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीनी है वो सबसे लास्ट में डालें। अगर आप पहले चीनी डालोगे तो दूध का मीठापन और चीनी का मीठापन इससे बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो हमने इसमें 3 चम्मच चीनी डाली है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा चम्मच है, 3 चम्मच काफ़ी हो जाता है। अगर आप चाहो, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 चम्मच और डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद और 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है। उसके बाद हमारी बासुंदी बनके तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं बासुंदी बनके तैयार है। बहुत ही क्रीमी और स्वादिष्ट बासुंदी बनके तैयार हो गई है। ये जो मलाई है ये खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अब हम इसे सर्व करेंगे। बासुंदी को आप ठंडा करके खाएं या फिर गर्मा गर्म पूरी के साथ, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए हमारी स्वादिष्ट बासुंदी बनके तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बनाने में भी बहुत सिंपल है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।